प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। दरअसल दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हो सकती हैं। भाजपा उन्हें गोरखपुर के आसपास जिले से अपना प्रत्याशी बना सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कलाकार खुद अपने लोकसभा क्षेत्र का चयन नहीं करता, पार्टी उसकी लोकप्रियता को देखने और परखने के बाद कोई निर्णय लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे आजमगढ़ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। आजमगढ़ में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे दिनेश लाल निरहुआ का एक अजब रूप देखने को मिला। उन्होंने शूटिंग प्लेस पर ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण किया। उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एक सवाल के जवाब में नामी भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के चुनावी मैदान में उतरने की बात कह दी। आम्रपाली दुबे और निरहुआ बहुत ही करीबी माने जाते हैं। हाल ही में यूपी में लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से जब निरहुआ भाजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे थे, तब उनकी हर रैली में जनसभा में आम्रपाली मौजूद दिखाई देती थी। यहां तक कि जब निरहुआ जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ आए थे, तब भी आम्रपाली दुबे साथ में आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।